126 हैं हम जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, वो तमाम लोग आज भी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर हमने यहाँ रखा है। तो जैसे जैसे लोग बाग आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे, हम 2-3 दिन प्रशिक्षण शिविर रखेंगे और उसके उपरांत राज्यसभा में 3ों सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 MLAs ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं, BTP का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। आप समझ सकते हो कि जब बहुमत नहीं येतर आदमी है उनके पास में, तो उसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो कानून बनाया गया है वो यही है कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का दिखा करके वोट देते हैं। तो अब उनके पास में कुछ सामान बचा ही नहीं, अभी भी समय है, उनको सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करना चाहिए कि हमसे भूल हुई और हमने फार्म भरा, तो जिससे लोकतंत्र की साख बची रहे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाने पे तुली हुई है। मैं समझता हूँ कि हम 101% जीतेंगे, गुड गवर्नेंस हमारी है, अच्छे काम हो रहे हैं। 2023 में पुनः कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी, 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होगा, NDA की सरकार नहीं बने।